तो गाइस आज हम अपनी बजीज की मटकी चेक करेंगे और देखते हैं इसमें कितने इन्होंने चिक दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं शुरू करते हैं। ये मटकी खाली है, इसमें कोई भी किसी ने बजीद ने अंडा नहीं दिया है, पूरी तरह से खाली है। इस मटकी में हम लोग देख सकते हैं तो इस मटकी में दो चिक निकले हुए हैं और ये अभी जल्दी के हैं, लग रहा है कल परसों में निकले हैं चिक। और इसमें तीन अंडे भी और रखे हुए हैं, इसमें भी जल्दी चिक निकल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये खाली है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ना अंडा है ना। इस मटकी में सिर्फ मेरे बजीज ने एक ही अंडा दिया है, लग रहा है ताज़ा ही है, एक आध दिन का ही है, अभी और देंगे। ये इसमें मादा बैठी हुई है और इसको हम उठाने की कोशिश करते हैं हाथ डालकर, इसको परेशान नहीं करेंगे। इसमें शायद एक चिक निकला हुआ है और बाकी अंडे रखे हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग। और इसमें आते हैं अब, इसमें कोई भी अंडा नहीं है, किसी तरह का कोई भी नहीं है। इसमें माशाल्लाह 6 अंडे रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और जल्दी ही बच्चे निकलने की उम्मीद है। चलिए, इसमें भी कोई अंडा नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी खाली है मटकी। चलिए माशाल्लाह इसमें हमारे 3 चिक हैं और बाकी अंडे रखे हुए हैं, लगभग 4 से 5 अंडे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं सब लोग। चलिए आगे देखते हैं, इसमें निकले हैं, इसमें माशाल्लाह 2 से 3 चिक लग रहा है मेरे को, 3 चिक लग रहा है, नहीं 2 ही है, बाकी अंडे अच्छे हैं। इंशाल्लाह इसमें भी जल्दी निकलेंगे हमारे चिक। चलिए अब आगे वाली लाइन में शुरू करते हैं। बजीज हमारे आज बहुत परेशान हो गए हमारी वजह से। चलिए इसमें 3 हैं चिक, बाकी अंडे अच्छे हैं, खाली है, इसमें कोई चिक नहीं है। इसमें 6 अंडे रखे हुए हैं इस मटकी में, बहुत अच्छे प्रोग्रेस चल रहा है अंडों का अजीज का। मैं यहाँ से ये भी दिखाता हूँ आपको, इसमें 7 अंडे रखे हैं, ये इसकी फीमेल है, बहुत ही गुस्से में लग रही है मेरे को, ये बहुत ही गुस्से में है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 चिक हैं, 4 अंडे रखे हैं। ठीक है, और जिस तरह से इसमें देखते हैं, इसमें 4 अंडे रखे हैं, 1 चिक है। चलिए इसमें आते हैं एक बार, इसमें 2 चिक हैं, बाकी शायद अंडा ख़राब हो गया है, ये नहीं कह सकते, अंडा ख़राब लग रहा है मेरे को। बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सुकून से बैठ गए हैं अब परेशान होते होते। इसमें मैंने 2 कोकाटील छोड़ रखी है, मेल फीमेल, और इनका भी पेयर जल्दी लग जाएगा तो इनको मैं अलग कर दूंगा। अभी मेरी इनके लिए कॉलोनी रेडी नहीं हुई है, मैं बहुत जल्द इनकी कॉलोनी रेडी करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह इनको भी बहुत अच्छी तरीके से जो है इनका देखभाल करूँगा मैं, कॉलोनी इनकी रेडी हो जाए एक बार। और देख सकते हैं मैंने फूड में इनको कुकनी दे रखी है, एंड ये हमारा भुट्टा है, एंड ये मैंने सेंधा नमक डाल रखा है इसमें, लाल सेंधा नमक। और देखिए मेरी जो फेवरेट फीमेल है वो ये है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। चलिए
बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा, बहुत अच्छी तरीके और सब मेल फीमेल दोनों तरह से अच्छे हैं, खाने पीने में बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, खूबसूरत भी हैं, आप लोग देख सकते हैं।